पहली बात तो इसका ग्लेज देखिए एकदम, ये क्या कंपनी का है? ये दोनों ही कंपनी का है। अच्छा। दोनों ही जेन्युइन प्रोडक्ट है। ओके। ये मारुति का जेन्युइन है और टाटा का जेन्युइन है। ये अपना जो पंच में आप देखिएगा ये सेम चीज आता है। ये अपने पास पंच का अवेलेबल है और ये टाटा का जितना भी 15 इंच का जो भी टायर है, जैसे कि अभी आपको वीडियो में दिखा दिया जाएगा, एक डिजायर गाड़ी बेस मॉडल गाड़ी था जिसमें हम लोग पावर विंडो लगा रहे हैं। ओरिजिनल जैसा पावर विंडो आता है वैसा सेम पावर विंडो लगा रहे हैं और सेंटर लॉक लगा रहे हैं। अच्छा, तो वो आपको वीडियो में दिखा दिया जाएगा। एंड्रॉइड कैमरा लग रहा है, ये सिस्टम कंपनी फिटेड है, ठीक है ना। इस पे ये कैमरा लग रहा है, ठीक है ना, जिसपे 1 ईयर का वारंटी भी है। और ये बस कैमरा है, ठीक है ना, ये बस कैमरा है जिसपे आपका ये जो जैक है, ये आपका सिस्टम के पीछे में स्पेसिफिक जगह है। ये बस हम प्लग कर दिए। दोस्तों ढूंढते आज मैं इसी एक जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको अगर दिखाऊंगा तो आप शॉकिंग हो जाएंगे, क्योंकि चाहे आपका पास हैचबैक हो, सेडान हो, एसयूवी हो, एमयूवी हो, कोई भी कुछ भी कार हो, आप अपना कार को मनपसंद वेल डेकोरेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसा में। कैसे वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ये भी दिखाऊंगा हर एक चीज किस तरह से फिटिंग होती है, कितना चार्जेस लगता है, सारे चीज दिखाऊंगा। ये है ईएम बाईपास की एक सबसे मशहूर डीलर जहां से आज मैं शूट कर रहा हूं और आज मैं आपको बहुत ही अच्छा अच्छा चीजें दिखाऊंगा। तो चलिए बिल्कुल भी देर न करते हुए आज हम जहां आए हैं यहां का जो अथॉरिटी है उनका साथ आपका डायरेक्टली बात करा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं दयाल कृष्णा, आप देख रहे हैं इंडिया ट्यूब, राइट टाइम राइट चॉइस राइट इन्फॉर्मेशन का साथ। आज हम आ गए हैं ईएम बाईपास का फ्यूजन ऑटोमेटिक में और फ्यूजन ऑटोमेटिक का आज का इस सुपर एक्सेसरीज का वीडियो में आप सबका स्वागत है। सर जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे है सर? एकदम सही, आप बताइए। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ सर जी। सर आज तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका, इतना अच्छा वेल डेकोरेट एकदम शोरूम देख के जी। आप सर पहले इस शोरूम का नाम और एड्रेस सही से हमारा दोस्त लोगों को बता दीजिए। ये शोरूम का नाम हो रहा है फ्यूजन ऑटोमोटिव्स और एड्रेस हो रहा है 67 अजय नगर, आपका नियर अजय नगर शिवकाली मंदिर और आपका मुकुंदपुर का नेक्स्ट ऑफिस पे पड़ रहा है। ओके। और अजय नगर सर्विस लेन में पड़ रहा है। रूबी से आएंगे तो बस रूबी से मोटा मोटी 3-4 सिग्नल आगे पड़ेगा। 3-4 सिग्नल जी जी। जैसे कि फिलहाल आप देख पा रहे हो दोस्तों डोमिनोज और HDFC बैंक उसी का ठीक ऑपोजिट साइड में एकदम रास्ता का ऊपर ही है ये एकदम शोरूम है। अच्छा सर आज नॉर्मली तो बहुत कुछ देख पा रहा हूँ अभी मैं फिलहाल, लेकिन क्या क्या दिखाइएगा आज? बेसिक जो नेसेसरी आइटम्स है अपना। अच्छा। वो अपना शो किया जाएगा। अच्छा। और जो मेन आपका जो डैशबोर्ड के लिए और जो गाड़ी के लिए मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है वो सब आज आपको दिखाया जाएगा, बाकी इन फ्यूचर और सामान सब जैसे अपग्रेड होते रहेगा वैसे वैसे दिखाया जाएगा। वाह वेरी गुड। सर व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज है तो प्लीज बताइए। आप लोग विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लाइक फॉलो करिए और आप इन फ्यूचर हम लोग का बेल आइकन दबा के रखिएगा, इन फ्यूचर हम लोग का वीडियो आएगा तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है सर, शुरू किया जाए एक एक करके। जी जी जी। चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। स्टार्टिंग हम लोग आज स्टेयरिंग नॉब से कर रहे हैं, जो अच्छा। अपना गाड़ी का मेन चीज जो हुआ स्टेयरिंग, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं उस पर जो ये कंट्रोल काम में आता है, जो आपका सिंगल हैंड ड्राइव में बहुत हेल्पफुल होता है जी जी। प्लस आपका एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, दूसरा हाथ आपका फ्री रहने से इमरजेंसी पर्पस में ब्रेक हो गया और गियर के लिए तो यूज होता ही है जी। और इसमें बहुत सारा वेराइटीज है, बहुत सारा कंपनीज का भी है, ठीक है ना। तो आप ऑप्शंस डिजाइन भी बहुत सारा है जो आप चॉइस कर सकते हैं। वेरियंट अगर आप पूछिएगा तो वेरियंट 250 से चालू होता है अप टू 1200-1500 तक का होता है, जो आपको सुटेबल इसका हो, जो जरूरत है वो आप लगा सकते हैं। डिजाइन अच्छा लगता है आपको तो आप बोले कार का हिसाब से जी जी जी। अच्छा सर फिटिंग चार्ज कितना लेते हैं? फिटिंग चार्ज अपना नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट पे फिटिंग चार्ज नहीं है, चाहे वो छोटा चीज हो या बड़ा चीज हो। इसमें अपना जितना भी प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल है सब पे फिटिंग चार्ज फ्री है, आपका कोई भी सामान पे फिटिंग चार्ज नहीं है, यही है। आप बाकी यहाँ पे तो आसपास में जितना भी देखते हैं सबके पास फिटिंग चार्ज है, हम लोग के यहाँ पूरा फ्री है। वाह, ये आप सुन रहे हैं दोस्तों कैमरा का सामने एकदम बिल्कुल, आप तो आपको तो पता ही है जो कुछ भी कहता हूँ हम एकदम पूरा के पूरा हकीकत बताता हूँ ताकि आपको जरा सा भी शक ना रहे। तो सर ये ऑल टाइम अवेलेबल है? ऑल टाइम अवेलेबल है, प्लस फिटिंग करने में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप कभी भी आइए। बाकी क्वांटिटी आप देख ही पा रहे हैं कितना सारा है, ब्रांड में भी क्वांटिटी अवेलेबल है, लोकल में भी क्वांटिटी अवेलेबल है, आप जो चाहें आपके अनुसार आप ले सकते हैं। सर आइटम्स है, डैशबोर्ड एक्सेसरीज है फुल,
ओके वाओ, इसमें बहुत सारा वेरिएंट है, वो है, फिर ये है, ये भी आपका बुलडॉग है, बुलडॉग का आपका सोना का चेन भी है प्लस, वाओ ग्लास पे लगता है, इतना खूबसूरत है, देखिए बुलडॉग है। ये हुआ आपका हेलीकॉप्टर हुआ, जिसमें आपका ये सब जो है जितना भी सोलर आइटम्स है सब विद परफ्यूम है, तो अलग से आपको जैसे कि नॉर्मल यूज के लिए परफ्यूम अलग से नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, ये सब में जो परफ्यूम है आपका काम चल जाएगा, इतना परफ्यूम रहता है। ये आपका सोलर आइटम हो गया, ये दो पढ़ने से अपना इसका जो ये ब्लेड है ये अपना घूमेगा। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो सोलर आइटम है इससे बैटरी का कोई सिस्टम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सब सोलर पे है, गाड़ी चलने से अपना काम करेगा। अच्छा जी, और इसका जो परफ्यूम है वो पूरा गाड़ी में एकदम सर्कुलेट हो जाएगा, इसी चलने से ही अपना ये परफ्यूम है इसका। कितना कॉस्ट हो सकता है इसका अप्रोक्सीमेट? मोटा मोटी अगर आपको बोले तो 350-400 रुपया के, 350-400 का अंदर। कितना खूबसूरत चीज है, देखिए आपका कार का डैशबोर्ड में अगर इसको फिट किया जाएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा, जरा सोचिए जरा। नेक्स्ट आइटम क्या दिखा रहे हैं? नेक्स्ट में ये आपको लाफिंग बुड्ढा लगा सकते हैं, वो ऐसे तो हम लोग के लिए अच्छे भी हैं, प्लस डैशबोर्ड पे लगते हैं, इतना सुंदर लगते हैं बोलने में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आप नॉर्मली लाफिंग बुड्ढा तो देखे होंगे लेकिन ये देखिए कितना खूबसूरत है, और ये हमेशा हिलता दुलता रहेगा, वो अपना फैन मारते रहेंगे और माथा हिलाते रहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट में ये रिंग में आपको मिल जाएगा, डबल रिंग में जो सर्कुलर आता है ये मिल जाएगा, इसमें भी परफ्यूम है, जितना भी मोटा मोटी जितना भी सोलर आइटम है सब में परफ्यूम आएगा। कितना खूबसूरत है देखिए, ये देखिए आप, देखिए कितना खूबसूरत है। आपका कोई भी कार हो, चाहे हैचबैक हो, सीडान हो, एसयूवी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना डैशबोर्ड में लगा लीजिए, कितना खूबसूरत भी लगेगा, और जो परफ्यूम है ये भी काफी स्वीट है एकदम। हम लोग बात करते करते दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए कितना सारा एक्सेसरी सामान है, आप आइए, आपको तो मतलब जो चाहिए यहाँ से वैरायटी आप ऑन चॉइस कीजिए, खुद चॉइस कीजिए, उसका बाद भैया का जो यहाँ सिस्टम है आपको लेबर चार्ज एक पैसा नहीं लगेगा, फीडिंग कर दिया जाएगा। हाँ सर, तो नेक्स्ट एसेंशियल आइटम क्या रखते हैं? नेक्स्ट एसेंशियल आइटम अपना मोबाइल होल्डर्स हो गया। हाँ, मोबाइल होल्डर क्या है कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं आप फोन हाथ में रख नहीं सकते हैं, नहीं। सेफ्टी वाइज भी है, प्लस आपको रास्ता पे गाड़ी चलाते हैं तो पुलिस धर सकते हैं कि आप फोन हाथ में रखे क्यों चला रहे, रूल्स का खिलाफ है। जी जी एकदम, तो उसके लिए आप अगर बेसिक, जैसे ऐसे तो आप बहुत सारा उसमें ऑप्शन है, बस बेसिक के लिए आप मोबाइल होल्डर लगा सकते हैं जी, जो आपका सेफ्टी वाइज भी रहेगा, प्लस कहीं जा रहे हैं तो आपका मैप वैप जो है सब जी इसी में काम कर रहा है, कोई कॉल आ रहा है या कोई मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप का, तो वो इसी में आपको मोबाइल लगा दी। वेरी गुड, बाकी इसमें बहुत सारा वेरायटी, जैसे ये मोको का आ गया, ये आपका सिर्फ ग्लास पे लगता है। अच्छा, ये आपका दूसरा ब्रांड का है, ये ग्लास प्लस डैशबोर्ड पे लग जाएगा। अच्छा, टू इन वन है। जी जी जी, ये देखिए ग्लास में भी सेट हो जाएगी और आपका डैशबोर्ड में भी सेट हो जाएगा। बहुत सारा कस्टमर्स होते हैं जो ना ग्लास पे ना डैशबोर्ड पे कराना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए ये है जो आपका मिरर पे जो आरबीएम पीछे देखने का जो मिरर होता है उस पे ही अपना हैंग हो जाएगा, उस पे आपका फोन रहेगा। इसमें क्या बैक मिरर का कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, बैक मिरर पे कोई भी लोड नहीं पड़ता है। अच्छा, ये क्योंकि डायरेक्ट उसका ये है प्लग इन है, उसके ऊपर जाके आराम से प्लग हो जाता है। और ये क्या रोटेबल है? रोटेबल है, 360 आपका पूरा रोटेबल है। वेरी गुड वेरी गुड, दोस्तों देख लीजिए एक बार, देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए आप मान लीजिए, हाँ ऐसे बहुत सारे आदमी है जो भाई मैं ग्लास में भी नहीं लगाऊंगा और ना तो मैं डैशबोर्ड में लगाऊंगा, लुकिंग ग्लास में सेट कर लीजिए, एकदम आपका मोबाइल एकदम जैसे एलईडी होता है उस तरह बैक सीट में जो बैठा हुआ रहेगा वो मूवी भी देख आराम से। बेसिक रेंज कितना से शुरू हो रहा है? मोबाइल होल्डर्स जो बेसिक सेगमेंट बेसिक एकदम वो 250 रुपए से चालू है अप टू 800-900 रुपए तक का है, और जो मैग्नेट सेगमेंट है मैग्नेट सेगमेंट चालू है आपका 650 से अप टू अराउंड 1000-1200 के आसपास में है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 1000-1200-1300 कोई अगर लाएगा, बहुत अच्छा वाला लगाना चाहता है तो वो लगवा सकता है। यही एग्जांपल है कि हर एक्सपेंसिव सेगमेंट लंबा चलता है, कोई भी चीज का कोई भी सेगमेंट का एक्सपेंसिव सामान ले रहे हैं तो वो लंबा चलना है। अब दिखाएंगे कुछ लाइट का सेगमेंट है ना, मेनली जो अपना रहता है कंपनी फिटेड लाइट जो आता है उसका पावर आज दो दिन के लिए आपको अच्छा लगेगा लेकिन समय अनुसार उसका पावर डम होता है क्योंकि बहुत कम पावर का। सर हाई रोड में तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत आप नया गाड़ी लीजिए या पुराना गाड़ी लीजिए लाइट का आपको प्रॉब्लम रहेगा ही, बाकी सब चीज आप कर सकते हैं लेकिन लाइट जो है वो आपको प्रॉब्लम देगा ही। हाँ, ये तो वो सेगमेंट के लिए आप एलईडी के लिए जा सकते हैं। अच्छा, एलईडी सेगमेंट ऐसा एक चीज है जो आपका बजट के अनुसार भी आपको मिल जाएगा अच्छा लाइट, और उसके ऊपर भी बहुत सारा सेगमेंट आता है तो बहुत वैरायटी भी है। वेरी गुड, तो यहाँ पे बजट फ्रेंडली लाइट्स भी है और अच्छा हाई एंड सेगमेंट भी है, नॉर्मल में भी हाई एंड सेगमेंट भी है। अच्छा, और बहुत सारा वैरायटी है, जैसे ये एक लाइट का बहुत अच्छा फीचर है। एक लाइट के बारे में कम से कम बताइए, जैसे ये एक लाइट है इसके बारे बोलना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि ये लाइट में तीन कलर है, माने व्हाइट येलो वॉर्म तीनों कलर है इस लाइट में। इसमें क्या आपको प्लस रहेगा, जैसे कि आप बाहर जाते हैं पहाड़ वार में जाना पसंद करते हैं, आप फॉग लाइट लगाइएगा, फॉग लाइट पे केस है,
आफ्टर मार्केट फॉगलाइट जो भी लगेगा केस है उस पर, ये लगाने से क्या रहेगा आपका जो ओरिजिनल हाउसिंग है उसी में लग जाएगा और पूरा प्लग एंड प्ले रहता है, कोई वारंटी का टेंशन नहीं है इस पे। टू ईयर्स का रिप्लेसमेंट वारंटी हम लोग का ही आता है इस पे, टू ईयर्स का वेरी गुड जी। तो इसमें आपका व्हाइट येलो वॉर्म तीनों कलर मिल जाएगा, बारिश वारिश में के लिए आपको वॉर्म मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा, व्हाइट टू व्हाइट ही है, 110 वॉट का लाइट है, बहुत अच्छा पावर भी है इसका, पावर भी है जी जी। वाह, मेन लाइट को बहुत सपोर्ट करेगा ये जी। अच्छा सर, बेसिक रेंज कितना से स्टार्ट? देखिए लाइट्स ऐसे मार्केट पे 400-500 रुपए से पेयर चालू है, और अच्छा सेगमेंट में जाना चाहिएगा तो आप 12,000 तक है, 12,000 तक वो तो होगा। हाँ। जो जैसा मर्जी, जैसा आपका ब्रांड कैपेसिटी जितना है वैसे लेगा ना, जो ब्रांड है, जो क्वालिटी है, वॉटेज है, सब चीज है, लोकल ब्रांड का लोकल है, बड़ा ब्रांड का। तो सर लोकल ब्रांड का क्या वारंटी नहीं रहता? नहीं नहीं, लोकल ब्रांड वारंटी नहीं है। अब सुन लीजिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं ना, पैसा बचाने के लिए लोकल ब्रांड लगा देते हैं, लेकिन वही अगर थोड़ा सा पैसा ज्यादा दे के आप अगर लगवा लेते हैं तो एक तो लॉन्ग लास्टिंग का बात है, और दूसरी बात तो ये है कि आपका चीज भी सही मिलेगी आपको जी। थैंक यू। हाँ, अब जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे वो चीज सामने है। ये देखिए कितना सारे एंड्रॉइड सेट्स है दादा, एक एक करके थोड़ा बहुत फीचर्स तो बता दीजिए कम से कम, नहीं तो कैसे पता चलेगा हमें? नहीं वही है, अब इसमें एंड्रॉइड एक ऐसा सेगमेंट है जो मार्केट में भी अवेलेबल है, प्लस हम लोग पास में तो मतलब बहुत ऑप्शन, ये तो जो दिखाएं ये आधा भी नहीं है स्टॉक का, उससे ज्यादा है जी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, मार्केट पे भी लोकल अवेलेबल है, ब्रांडेड मिल जाएगा, ये जो आपके सामने रखे हैं सभी ब्रांडेड रखे हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर आप जैसा चॉइस करना चाहें, वेरिएंट बहुत सारा है, कोई अगर प्रीमियम कार में सेट करना चाहता है तो प्रीमियम कार के लिए भी है आपका ऑडी मर्सिडीज का, उन लोग का अलग ही एंड्रॉइड आता है। अच्छा। ये सब सेगमेंट उसमें नहीं लगेगा, उन लोग का खुद का अपना एंड्रॉइड आता है, ब्रांडेड मिलता है, मतलब मैक्स लिंक का ही आता है उन लोग का, अभी का पास से हम लोग पास मिल जाएगा। आज एक गाड़ी में फिटिंग भी हो रहा है, वो आपको दिखा दिया जाएगा कैसे है, कैसा नहीं। मैक्स लिंक ब्रांड का ही आएगा, वो अलग ब्रांड का आता नहीं है। और प्लस आपको नॉर्मल हैचबैक के लिए, सेडान के लिए, नॉर्मल हैचबैक के लिए तो ये सब वेरिएंट है, और भी बहुत सारा वेरिएंट है। मतलब मोटा मोटी स्टॉक बहुत सारा है, ये हाफ भी नॉर्मली कितना इंचेस का है ये सब? ऐसे नॉर्मल हैचबैक में जो गाड़ी हम लोग का मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है वो 9 इंच लगता है, 9 इंच जी। ओके, बाकी कुछ कुछ गाड़ी स्पेसिफिक गाड़ी हो गया, होंडा सिटी, वेन्यू वेन्यू, कुछ कुछ गाड़ी में 10 इंच एंड्रॉइड भी लग जाता है। अच्छा, कोई अगर बैक कैमरा लगाएगा उसका साथ तो ये जी जी, बैक कैमरा इसके साथ आप ले सकते हैं। हाँ। वापस बोल रहे हैं, अपना कोई भी फिटिंग चार्ज नहीं है, बैक कैमरा लगाते हैं या एंड्रॉइड लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं। अब सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बैक कैमरा लीजिए और एक के लीजिए, फिटिंग आपको कुछ नहीं देना, प्रोडक्ट चार्ज बस दीजिए, कुछ नहीं है। बाकी इसमें बहुत सारा वेराइटी है, सस्ता है, महंगा है, कॉम्बो पैकेज कुछ है सर? कॉम्बो पैकेज है वो इस वीडियो का आखिरी में आपको पता चलेगा। अच्छा, क्या कॉम्बो है और किस ब्रांड के साथ में कॉम्बो है। ओके। वो एग्जैक्टली आपको बता दिया जाएगा कि हाँ दादा, इस ब्रांड का एंड्रॉइड है और इस ब्रांड का स्पीकर है और इस ब्रांड का आपको कैमरा है, ये तीन चीज मिला करके, क्योंकि पूरा एक गाड़ी का सेगमेंट होना चाहिए कॉम्बो में, कि कुछ बचा नहीं रहना चाहिए, कैमरा नहीं रहना चाहिए, सब चीज रहेगा कॉम्बो में, वो वीडियो का आखिरी में आपको बता दिया जाएगा। हाँ सर, इस चीज का बारे में थोड़ा बताइए। अब वापस हम लोग सेफ्टी के अनुसार चलते हैं। ये सब हुआ आपका डैश कैम, जिसमें बहुत सारा वैरायटी है, जिसमें फ्रंट एंड बैक भी ऑप्शन मिलता है, फ्रंट बैक इंटीरियर का भी ऑप्शन मिलता है और सिर्फ फ्रंट का भी ऑप्शन मिलता है। डैश कैम रहने से क्या होगा, आपका जो रास्ता पे गाड़ी चला रहे हैं वो आपका, जैसे कि कोई सिग्नल में ग्रीन सिग्नल, आप ग्रीन में पार्क किए लेकिन आप पुलिस वालों बोलता है कि नहीं रेड में पार्क किए, वो शो कर सकते हैं, वो तो एक अलग है। जैसे हाईवे में कहीं जा रहे हैं आप, कुछ बाय चांस कुछ हो तो आपका डैश कैम में पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा गलती किसकी नहीं है, किसका गलती है वो एकदम। और रहा बात की डैश कैम, सब के लिए भी है कि अपना जैसे कोई लॉन्ग टूर में जा रहे हैं, कभी ऐसा घर के साथ निकले हुए हैं तो उसमें डैश कैम रहता है, तो क्या आप जैसा आप जो देख पा रहे हैं वो आप रिकॉर्ड भी सेम टाइम में कर पा रहे हैं, ये नहीं कि आपको फोन निकाल कर रिकॉर्ड करना होगा, डैश कैम लगा हुआ है तो आप सेम टाइम में वो रिकॉर्ड भी हो रहा है। अच्छा, वो रिकॉर्ड भी, यानी कि जो लोग ब्लॉगर है, ब्लॉग बनाने वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो आप लोगों तो और एकदम सही बोला, गाड़ी पे है आप लोग शूट कर सकते हैं, हम लोग को भी सबके लिए, ये सिर्फ डैश कैम सिर्फ एक कोई सेगमेंट के लिए नहीं, सभी के लिए, सभी के लिए, क्योंकि इसमें बजट वैसा भी है, कोई बहुत बजट का भी मिलता है डैश कैम और वो तो ऊपर भी जा सकता है। अब जस्ट स्टार्टिंग रेंज बता दीजिए एकदम मिनिमम से। मिनिमम डैश कैम ब्रांडेड 1 ईयर वारंटी वाला वो आपको मोटा मोटी समझिए आपको 2600-2500 रुपए में आ जाएगा, बस 2500-2600 मात्र। ये आप देखिए, ये आपका ब्रांडेड रहेगा, लोकल नहीं रहेगा। जैसे मैक्सलिंग वारंटी भी है, इससे पहले भी जो हमको बोला कि हम लोग जो बोले प्रीमियम गाड़ी में हम एंड्रॉइड लगा रहे हैं मैक्सलिंग का, वही सेम कंपनी का फिर है वो एंड्रॉइड डैश कैम जो है मैक्सलिंग का ही है,
किसी और का लोकल कंपनी का नहीं है। वाह वेरी गुड। तो स्टार्टिंग रेंज एकदम 2500-2600 से आप लोग एकदम लगवा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा अच्छा सामान है आपके लिए रखा गया है। ये सब बस जस्ट शो किया जा रहा है। हाँ हाँ। विजिट करिएगा और भी बहुत सारा और भी कुछ है। तो नहीं दिखा एक चीज बोल दे रहा हूँ स्क्रीन पर, देखिए हम लोग बात करते करते नंबर भी डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग, वो नंबर पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपका कोई भी कार हो आप लेके आइए, इधर एकदम सामने बैठ के फिटिंग्स करके घर लेके जाइए। सर इतना बड़ा टेबल में इतना छोटा सा चीज, ये क्या है थोड़ा बताइए। ये मेनली अभी का टाइम के लिए जो कंपनी वाले लोग अपने लोगों को बोलता है ना कि आपका वारंटी वॉइड हो जाएगा या बाहर से कुछ काम करा रहे कुछ हो जाएगा, ये जो चीज है आप कोई भी बेसिक वेरिएंट गाड़ी जिसमें आपका कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले होना चाहिए, वो है, तो वो होने से क्या रहेगा, ये बस जस्ट प्लग एंड प्ले है, कुछ नहीं। जैसे हम लोग फोन चार्ज करते हैं वैसे ही इसको डायरेक्ट म्यूजिक सिस्टम, जहां से हम लोग गाड़ी में फोन चार्ज करते हैं वहां से एक वायर निकल के यूएसबी में इसमें लग जाएगा और विद इन 10 मिनट्स के अंदर में आपका जो ओरिजिनल म्यूजिक सिस्टम है वो एंड्रॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा वाओ, विद इन 10 मिनट्स के अंदर कन्वर्टर है ये जी, एंड्रॉइड कन्वर्टर है। वाओ, इसमें बहुत सारा वेरिएंट है, बहुत सारा कंपनी है। ये ऐसा एक प्रोडक्ट है, ये हर टाइम चेंज होता रहता है, जैसे आज जेनोम का आया हुआ है, मैक्सलिंक का आता है, बहुत सारा ब्रांड का आता है, हम लोग को भी देखना पड़ता है किसका कैसा क्या है, टॉप ब्रांड क्या है वही आप उठाते हैं। जी जी, जो जो सबसे अच्छा ब्रांड है वही रखते हैं, क्योंकि ये सब जो चीज है प्लग एंड प्ले रहता है, प्लस आपका इजी टू यूज रहता है, तो इसके लिए क्या रहता है आप मतलब हम लोग मतलब बहुत इजी रहता है आपके लिए, कोई टेंशन हर्जा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई वायर कटिंग डायरेक्ट इसको प्लग कर दीजिए, आपका गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है वो एंड्रॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वाह देखिए कितना अच्छा, कितना अच्छा कन्वर्टर है, छोटा सा प्रोडक्ट है, काम की प्रोडक्ट है दोस्तों। आपका कार अगर एंड्रॉइड में कन्वर्ट करना चाहता है तो ये सबसे जरूरी चीज है। पहली बात तो इसका ग्लेज देखिए एकदम, ये क्या कंपनी का है? ये दोनों ही कंपनी का है। अच्छा। दोनों ही जेन्युइन प्रोडक्ट है। ओके। ये मारुति का जेन्युइन है और टाटा का जेन्युइन है। हाँ हाँ। ये अपना जो पंच में आप देखिएगा ये सेम चीज आता है। हाँ हाँ। ये अपने पास पंच का अवेलेबल है। हाँ। और ये टाटा का जितना भी 15 इंच का जो भी टायर्स है सब में ये लग जाएगा, ये सिर्फ टाटा का लिए पंच के लिए नहीं है। ओके। ये आपका जितना भी 15 इंच का जितना भी गाड़ी है टाटा जो रहेगा सब में लग जाएगा। और ये मारुति स्पेसिफिक है, जो भी मारुति गाड़ी है मतलब आपका स्विफ्ट विफ्ट जितना भी सेगमेंट है, 14 इंच का जो टायर है वो सब में ये लग जाएगा, जेन्युइन प्रोडक्ट है एकदम। और बाकी लोकल शो तो अवेलेबल रहता ही है, और ऑटोग्राफिक दो तीन और ब्रांड है जिसका रहता है व्हील कैप, वो सब भी मिल जाएगा आपको, बट ये दिखाना चाहे इसलिए क्योंकि ये ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट है। इसके सामने में अगर आपको ये जैसे सिल्वर है इस ये प्रोडक्ट प्लस नॉर्मल हम लोग का जो लोकल प्रोडक्ट आता है वो रखेंगे तो आप खुद समझिएगा कितना फर्क है। इसका ग्लेज ही अलग है, ग्लेज है, वेट है, प्रोडक्ट हाँ। का वेट होता है इसका, जेन्युइन का प्रोडक्ट वेट जेन्युइन ही होता है एट द एंड। बात सही है ना, ये जितना का ये एक पीस का जितना वेट है उतना में उसका शायद दो पीस हो जाएगा सेम साइज का। और सर देख के तो लग रहा है, दूर से तो ऐसा लगे कि भाई अलॉय व्हील्स है। जी वो तो है, आपका व्हील कैप जैसे ये सब जो सेगमेंट है ये सब में देखने में लगेगा ही कि आपको पूरा पूरी अलॉय व्हील्स है, पूरा अलॉय व्हील्स है। आप देखिए आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि अलॉय व्हील्स है, बाकी और भी व्हील कैप है वो आपको दिखा दिया जाएगा, वो आपको दिख जाएगा। जी जी जी। सर स्टार्टिंग रेंज कितना हो सकता है सर? ऐसे नॉर्मल व्हील कैप स्टार्टिंग रेंज 550-500 चालू, नॉर्मल गाड़ी का 14 इंच का 550-500 चालू हो जाता है, और उससे नीचे जो जैसे टायर ये व्हील कैप ऐसा कोई स्टार्टिंग का बात नहीं है, आपका क्या टायर है कितना नंबर है उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, बाकी अलग इंचेस का टायर है उसका ऊपर डिपेंड करता है। ब्रांडेड जो कंपनी वाला है जैसे ये मारुति जेन्युइन और टाटा जेन्युइन ये सब थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ओरिजिनल प्रोडक्ट, लेकिन इसका लास्टिंग भी होता है। लास्टिंग तो होगा, ये नॉर्मल व्हील कैप कोई रास्ते में लड़ेगा तो एकदम फट जाएगा, ये आप हाथ में लेके देखिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत टाइट प्रोडक्ट जेन्युइन है, जेन्युइन चीज जेन्युइन ही होता है एकदम एकदम। बात सही, सच बोले तो ये बहुत काम की चीज है दादा। वो तो है, आमरेश जिस गाड़ी पे नहीं लगा रहता हाँ, हाँ, हाँ। उन्हीं को पता है आमरेश क्या चीज है, आमरेश क्या चीज हाँ। है, बात सही है, समय पता चलता है कितना जरूरी है आमरेश। हाँ, हाँ, आमरेश हाँ। इसलिए आपको बहुत सारा वेरिएंट आता है हाँ। ये जो है ये स्पेसिफिक वेरिएंट है, मैंने किसी भी गाड़ी का स्पेसिफिक, इसमें लिखा हुआ भी है ये वैगनार का, एक्सप्रेसो का, ये सब स्पेसिफिक है वैगनार। इस तरह ये प्लास्टिक को ओपन कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, और सॉलिड भी है, बस देखो वुडन का सॉलिड है एकदम। अच्छा, ओ इसका अंदर भी कुछ सामान रख सकते हैं, फोन पर कुछ रख सकते हैं। वाह 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 वाह, वेरी गुड। इसका अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, आपका मोबाइल हो या आपका पर्स हो, वॉलेट हो, आप कुछ भी जरूरी सामान इसमें डाल सकते हैं। आप डालिए, आपका एक हाथ ऐसा रखिए और एक हाथ में स्टीयरिंग रखिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा एकदम।
सर इसका बेसिक कितना हो सकता है, मतलब बेसिक स्टार्टिंग रेंज कितना? जो नॉर्मल वाला है ये प्लास्टिक का रहता है, ये मतलब 1200-1300 के आसपास। अच्छा अच्छा अच्छा। और वुडन जो स्पेसिफिक आता है ये हर गाड़ी के अनुसार रहता है, वो गाड़ी चेक करके ही बता सकते हैं। मतलब बेसिक रेंज अगर कोई लगेगा 1200-1300 में वो लगा सकते हैं। प्लास्टिक वाला हो जाता है, प्लास्टिक वाला हो जाता है। ठीक है, अब छोटी गाड़ी है, ऑल्टो वोल्टो है, तो आप लगाइए, ये काम की चीज है, लेकिन और गाड़ी देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभी आपको वीडियो में दिखा दिया जाएगा, एक डिजायर गाड़ी, बेस मॉडल गाड़ी था जिसमें हम लोग पावर विंडो लगा रहे हैं। अच्छा। ओरिजिनल जैसा पावर विंडो लाता है वैसे सेम पावर विंडो लगा रहे हैं और सेंटर लॉक लगा रहे हैं। अच्छा, तो वो आपको वीडियो में दिखा दिया जाएगा आगे। पावर विंडो भी मिल जाएगा आपको, सेंटर लॉक भी मिल जाएगा, दोनों ही मिल जाएगा। और ये हर गाड़ी का अवेलेबल रहता है, और उसके लिए आप एक बार खाली कॉल कर लीजिए, क्या गाड़ी है, क्या मॉडल है आपको। सेंटर लॉक तो कोई कॉल नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट विजिट कीजिए, सेंटर लॉक तो हो जाएगा। पावर विंडो अगर आपकी गाड़ी पे नहीं है, जैसे इस गाड़ी पे लग रहा है फोर डोर पावर विंडो लग रहा है, अगर आपका सामने है पीछे नहीं है तो आप सिर्फ पीछे में पावर विंडो लगवा सकते हैं। अच्छा, मतलब अल्टरनेट किसी का फ्रंट में है पीछे लगा सकते हैं। नॉर्मली सबका फ्रंट में रहता है, पीछे नहीं रहता, तो पीछे आप लगवा सकते हैं। जी जी जी। और किसी किसी एकदम बेस मॉडल में तो चारों गेट नहीं रहता, तो आपको फोर डोर लगाना होगा। वो बिल्कुल फोर डोर या सिर्फ सामने का दो भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर, आपका बजट और आपके ऊपर है। ओके 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 जी। तो सर इसमें कुछ वारंटी है कि नहीं है? एकदम पावर विंडो में 2 इयर्स का वारंटी आता है। अच्छा, 2 इयर्स का वारंटी जी। वाह। और सेंटर लॉक में 3 इयर्स का वारंटी आता है। ग्रेट, और क्या चाहिए? और इस ये सब में कुछ अगर इन बिटवीन कुछ प्रॉब्लम भी अगर होता है तो वो सर्विस हम लोग खुद देते हैं, और सर्विस कोई चार्ज है नहीं उसके लिए, कोई चार्ज नहीं। कोई भी प्रॉब्लम होता है सर्विस हम लोग खुद देते हैं, इसके लिए कुछ ये नहीं है कि आपको ये RD कंपनी का है या जो भी कंपनी का हम लगाएंगे तो उस कंपनी में जाके बात करिए, वो मतलब नहीं है। आप जो मेरे जितना भी सामान मेरे यहाँ से लगाइएगा उसका सर्विस आपको मेरे यहाँ ही मिलेगा। वाह, मतलब यहाँ से लगाइएगा, आप इसी शॉप को पहचानिएगा, इसी शॉप में आइएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। जी, सेंटर लॉक में नॉर्मल सेंटर लॉक भी आता है। और अगर आपका ख्वाहिश है आपको फ्लिप की चाहिए तो ये फ्लिप की वाला सेंटर लॉक है। इसमें बहुत सारा कंपनी भी आता है, ये अभी अवेलेबल स्टॉक इसका माइटी भी इसका आपको दिखाया गया है, इसमें बहुत सारा कंपनी आता है, फ्लिप की सेंटर लॉक भी आप बनवा सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल जो लगा अगर कोई लगाएगा, बेसिक स्टार्टिंग रेंज कितना? देखिए इसमें गाड़ी अनुसार होता है ये, ठीक है। हैचबैक में, छोटी हैचबैक में, हैचबैक माने ये कैसे रहता है ना, आपका वन डोर है या फोर डोर वो चेक करना पड़ता है पहले। अप्रोक्स बोला जाए तो अप्रोक्स ये वैरी करता है 3,500 से 5,000 तक, तो 3,500-4,000 के अंदर वो सेंटर लग आराम से, आराम से, आराम से। वाह, वेरी गुड दोस्तों। देखिए, तो दोस्तों देखिए, अभी और ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, हम लोग बताए थे आपको जो 15 ऐसे एसेंशियल आपको एक्सेसरीज दिखाऊंगा हम लोग। तो सर ये क्या पैक है, ये टोटल सेट जो एंड्रॉइड के बारे में बात हो रहा था? हाँ। कि कॉम्बो बताएंगे, कॉम्बो। अच्छा। यही अपना कॉम्बो है। वाओ। इस पे तीनों प्रोडक्ट पे 1 इयर्स का वारंटी है। अच्छा। काउंटर वारंटी है, यानी कि आपको कहीं और जाना पड़ेगा, शोरूम जाए, ये कहीं जाए, आपको उतना कोई नहीं है। जो भी तीनों चीज है, तीनों चीज पे 1 इयर्स का वारंटी है आपका गाड़ी पे। ये तीन चीज तो लगेगा, प्लस फ्रेम लगेगा, फ्रेम भी इसके साथ ही है, फ्रेम तो बहुत गाड़ी का होता है इसलिए हम दिखा नहीं सकते हैं। प्लस जैक टू जैक वायरिंग होगा, जैक भी उस स्पेसिफिक जो गाड़ी का आएगा उसके साथ जैक आएगा। और रहा बात रिवर्स वायरिंग के लिए, देखिए सब बोलता है जैक टू जैक, जो कहानी सही है वो बता दिया जाए। रिवर्स कैमरा के लिए जैसे स्पेसिफिक अगर नहीं है, कोई गाड़ी में म्यू सिस्टम लगा हुआ है तो उस पर कैमरा लग जाता है डायरेक्टली, जी तो उसमें कोई तार वार नहीं रहता। जैसे ये सब गाड़ी, जैसे ये जो सेगमेंट है ना, इसमें हमको रिवर्स के लिए एक पीछे तार को ज्वाइंट करना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, एक स्कॉच क्लिप आता है, वो स्कॉच क्लिप से आपका क्या होगा, डायरेक्ट वायर लग जाएगा, कुछ वायर कटिंग नहीं होगा, ना पंच होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आपका पूरा काम हो जाएगा, कुछ कटिंग वटिंग कुछ नहीं होगा। ओके। यही बहुत लोग डरते हैं कि भाई मेरा वायर काट देते हैं, जो करना वारंटी नहीं मिलती। ये सेगमेंट में जाने के बाद कैमरा लगाइए, एंड्रॉइड लगा रहे, स्पीकर लगा रहे, कैमरा लगाइएगा। लेकिन ये किसी सब कैमरा में, जैसे कोई गाड़ी में स्पेसिफिक म्यूजिक सिस्टम आया तो उसमें कैमरा के लिए कोई वायर कटिंग नहीं होता, लेकिन ये सब में होता है। तो ये सब में करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा, स्कॉच क्लिप, एक स्कॉच क्लिप लगता है पीछे में, रिवर्स का लाइन एक ही लगेगा, एक बस लगता है, बस उसमें आपका काम हो जाएगा। सर कॉम्बो में क्या क्या दे रहे, थोड़ा बता दीजिए। ये एक एंड्रॉइड दे रहे 9 इंच का। अच्छा। एक ड्रिवन इसका कैमरा दे रहे हैं, और हाँ। ब्रावो का 2 स्पीकर दे रहे हैं, मतलब दो माने चार पीस स्पीकर दे रहे हैं। अच्छा। माने आपका एक गाड़ी का जो नेसेसरी लगता है हम लोग। अच्छा, को 4 डोर्स के लिए 4 स्पीकर, बैक कैमरा के लिए बैक कैमरा, और एंड्रॉइड हो गया, और इसमें फ्रेम भी रहेगा और हार्नेस भी रहेगा। वो अभी जैसे जो गाड़ी रहेगा आपका उसके अनुसार रहेगा, तो वो इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन फ्रेम और हार्नेस इंक्लूडेड रहेगा। लेबर चार्ज तो पता ही है, लेबर चार्ज के लिए बार बार बोलना नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, आप लेके आइए, एकदम आपका सामने ये सब फिटिंग्स किया जाएगा, जो आप देख पाइएगा खुद अपना आंखों से। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था, आप सबको दिखाया गया क्या क्या एक्सेसरीज आप अपना कार में लगा सकते हैं, अभी तक लगाया नहीं है
कितना कितना प्राइस स्टार्टिंग रेंज से शुरू हो रही है यहाँ पर, कितना वैरायटीज है आपका कार को डेकोरेट करने के लिए, कितना लेबर चार्ज लग सकता है वो भी बता दिया गया, जो हालांकि जो फ्री है। तो स्क्रीन के ऊपर फिलहाल जो दिया हुआ नंबर है ये शहर का है, इसी शॉप का है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इनका नाम नंबर लोकेशन सब कुछ दिया हुआ रहेगा, आप अपना टाइम का हिसाब से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। सर व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज है तो प्लीज बताइए। व्यूअर्स के लिए एक ही है, आप इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, क्योंकि आप लोग अगर इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा तो ही आगे चल के क्या क्या सामान आया है नया, प्लस आपको क्या ऑफर्स आया है नया आपको इस चैनल के थ्रू पता चल सकता है। तो इसके लिए आप फॉलो करके रखिएगा और बेल आइकन याद से आप उसको ऑन करके रखिएगा, जो आपको हम लोग का वीडियो आने से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।